वेलकम बैक फ्रेंड्स। जॉली फोनिक्स का ग्रुप वन कंप्लीट हो चुका है। हर एक लेटर वर्ड का मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ जाके चेकआउट करें। चलिए सेकंड ग्रुप जाने से पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप का। एंड फ्रॉम ग्रुप टू द वर्ड इज सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। आज हम स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। आप गेस करेंगे कि मैं आज कौन सा वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, किसकी साउंड बता रही हूँ, एक्शन और एक छोटी सी एक्टिविटी भी। तो लेट्स टेक अ लुक। स्टोरी को ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। ईवा द एलिफेंट वॉज फीलिंग एक्साइटेड एज शी वॉज गोइंग ऑन हर फर्स्ट एडवेंचर टू एक्सप्लोर द jungle. She packed her backpack with bananas and water and set off with her friends. They saw colorful birds, slippery snakes, and even a friendly monkey who shared his fruit. Eva knew she had the best friends in the world. I hope आपने guess किया होगा कि आज का word क्या है। So let's take a look. Eva, elephant, excited, even, and explore. So you have guessed ना कि आज का word है E. Today's word is E. And what is the sound of letter E? Eh. Eh. आपको अपना मुंह बहुत छोटा सा खोलना है। ए में हम बड़ा मुंह खोलते हैं, लाइक हम एप्पल ईट कर रहे हैं, और ई में हम छोटा खोलते हैं, एह। एंड द एक्शन इज, सपोज आप एग क्रैक कर रही हैं, आपकी मम्मा एग क्रैक कर रही हैं, तो वो कैसे एक्शन बोलती हैं? एह एह एह। एग, ईयर एंड ईगल। इरेजर, आई एंड एनवेलॉप। हर एक लेटर ई साउंड से स्टार्ट है और ई की साउंड है ए। यहाँ पर और कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इनको ज़रूर अपने बच्चे को रिपीट करवाइए। नाउ इट्स फन टाइम, इट्स एक्टिविटी टाइम। कुछ टाइम बच्चों को हमें देना ज़रूर चाहिए उनकी एक्टिविटी के लिए। आज की एक्टिविटी है, देखिए मैंने ई लिखा हुआ है यहाँ पर, और एक स्मॉल में और कैपिटल दोनों में। आप बच्चे को बोलिए कि इनके डॉट्स को ज्वाइन करें और उन्हें लिखें, उनकी फॉर्मेशन भी इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी पिक्चर एक्टिविटी। पिक्चर एक्टिविटी में मैंने डिफरेंट टाइप की पिक्चर बनाई है जो ए साउंड से स्टार्ट है। आप बच्चे को बोलिए उसमें कलर करें, उसमें मैच करे, जो भी बच्चा अपने अकॉर्डिंग करना चाहता है उससे करे, ताकि वो थोड़ा टाइम इसमें एंगेज हो। सो आज के वीडियो में इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग। ए और ई में कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चे, तो फिर एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। ए का साउंड है ए। सपोज़ यू आर ईटिंग एन एप्पल, आप बड़ा मुँह खोलेंगे, छोटे मुँह से हम एप्पल नहीं खा सकते। और ई की साउंड है ए, छोटा सा मुंह खुलेगा आपका, ज़्यादा मुंह नहीं खुलेगा। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं या बच्चे को बता रहे हैं, तो उनसे बोलिए कि आप मेरे फेस को देखें कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। तो इस तरीके से वो लोग अच्छे से बच्चा डिफ्रेंशिएट कर पाएगा ए और ई की साउंड में। अच्छा लगा आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन को ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो भी मैं बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, वो आपको जल्द से जल्द उनके बारे में पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस से ही फोनिक्स आप आएगी, तो इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग और अपने बच्चे को प्रैक्टिस कराती रहिए, रिवीजन करवाती रहिए। थैंक यू।